दोस्तों पेंस का यूज करते करते आपकी जिंदगी हो गई, लेकिन साला पेन ही खत्म नहीं हुआ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फैक्ट्री में बॉल पेन को तैयार किया जाता है और किन किन प्रोसेस से इसकी मैन्युफैक्चरिंग को अंजाम दिया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले पेन टिप मशीन का यूज करके पेन के टिप को तैयार किया जाता है। दोस्तों इन टिप्स को बनाने के लिए स्टील वायर का यूज किया जाता है। इस टिप मेकिंग प्रोसेस के बाद इन टिप पर लगने वाले पेलीग्राफ बोल्स को तैयार किया जाता है। दोस्तों ये बोल्स ही होती हैं जो इंक के साथ अपनी छाप छोड़ती हैं। इन बोल्स को बनाने के लिए टंगस्टन कार्बाइड का यूज किया जाता है, जिन्हें एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। दोस्तों अगली प्रोसेसिंग में एक अदर फैक्ट्री कंपार्टमेंट में इन पेंस की इंक को तैयार किया जाता है। इस इंक में 90% ऑयल सॉल्वेंट एंड 10% डाई का यूज होता है। इस प्रोसेस के बाद इन पेंस की रिफिल को तैयार किया जाता है। रिफिल तैयार होने के बाद एक मशीन इन रिफिल में बारी बारी से इंक को फिल कर देती है। और साथ ही इन रिफिल को बॉल पेन टिप के साथ जोड़ दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इन पेंस के पीछे के ढक्कन को भी असेंबल किया जाता है। दोस्तों अब इन पेंस को पुशेबल बनाने के लिए इनमें स्प्रिंग को भी असेंबल किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में कस्टम मशीन द्वारा इन पेंस की ऑटोमेटेड तरीके से फुल्ली असेंबलिंग की जाती है और फाइनल टेस्टिंग के बाद इन्हें पैकेजिंग करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं बॉल पेंस।